अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है, ये मुक़द्दस महीना रबीउल अव्वल का महीना है। इसी मुक़द्दस महीना में हम सभी के आका मौला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया फ़ानी में तशरीफ़ लाएँ। इससे पहले भी हमने आपकी शान में कई सारी वीडियोज़ बनाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का हर हर शोबा उसमें हमने शामिल किया है, जिसके बारे में हमने जाना। आपकी विलादत से लेकर फ़तेह मक्का तक के सारे वाक़यात को बतरीके अहसन हमने समझा। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज हम ग़ज़वे तबूक के बारे में जानेंगे कि ग़ज़वे तबूक और हज्जतुल वदा और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबीईन हैं। इन तमाम बातों को बतरीके अहसन हम समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। आपसे गुजारिश है कि हमारी हर वीडियो आपके व्हाट्सएप में जितने भी नंबर या जितने भी ग्रुप्स हैं हर एक में शेयर करें, ताकि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सके और अल्लाह रसूल का पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे और सवाब जारी की सूरत में क़यामत तक आपको उसका सवाब मिलता रहे। हज़रात मोहतरम, 9 हिजरी रजब 9 हिजरी को ये इत्तला मिली कि रोम का जो बादशाह है हिरक्ल, ये मुसलमानों पर हमले की तैयारी कर रहा है और वो लश्कर के साथ आगे बढ़ रहा है। चुनांच आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों को जंग की तैयारी का हुक्म दिया। गर्मी के दिन थे, फसल पक रही थी, मुनाफिकीन बहाना बना कर रह गए, मगर मुसलमानों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ पर लब्बैक कहा और लश्करी इस्लाम रवाना होकर मकाम तबूक पहुंच गया। दुश्मन मरऊब होकर वापस चले गए, मगर आसपास के कबाइल ने या तो इस्लाम कबूल किया या सुलह कर ली, और हिरक्ल का फरमा रवा जो था वो गिरफ़्तार हुआ और उसने सुलह करके अपनी जान बचाई। हज़रत मोहतरम, जब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वे तबूक से मदीना वापस लौटे तो मुनाफिकीन ने इस्लाम को नुकसान पहुंचाने और मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिश करने के लिए मस्जिद ज़रार की बिना रखी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे मिसमार करा दिया। कुरान मुकद्दस में उसकी तरफ यूं इशारा किया गया है कि कुछ लोग हैं जिन्होंने एक मस्जिद बनाई इस गर्ज के लिए कि नुकसान पहुंचाएं और कुफ्र करें और अहले ईमान में फूट डालें और उस शख्स के लिए कमीनगाह बनाएं जो उससे पहले अल्लाह और रसूल के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार रह चुका है। वो ज़रूर कस्में खाकर कहेंगे कि हमारा इरादा सिर्फ भलाई का था, मगर अल्लाह गवाह है कि वो लोग कतई झूठे हैं। हज़रात मोहतरम, उसी साल हबशा के बादशाह नजाशी का इंतकाल हुआ और आपने गायबाना नमाज जनाजा भी पढ़ी। नेज़ मुनाफिकों के सरदार अब्दुल्ला इबन उबई का भी इंतकाल हुआ और अल्लाह ने उसकी नमाज जनाजा पढ़ने से आपको रोक दिया, और उसी साल सूद की हुरमत भी नाजिल हो गई। हज़रात मोहतरम, उसके बाद इस्लाम की जड़ें इतनी मजबूत हो गईं कि कबाइल अरब खुद ही वफद की शक्ल में आकर मुसलमान होने लगे। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर इस्लाम कबूल करने वाले वफूद में चंद कबाइल ये हैं। उनमें से सबसे पहला है वफद हवाजिन, वफद सकीफ़, वफद बनी आमिर। इसी तरह कई सारे वफद ऐसे थे जो जौक दर जौक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आने लगे। हर चहार जानिब इस्लाम का डंका बज रहा था और लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आकर इस्लाम कबूल कर रहे थे। किसी को तलवार की ज़ोर पर इस्लाम के लिए नहीं बुलाया गया। अगर तलवार का ही ज़ोर दिखाना होता तो फ़तेह मक्का के दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया होता कि कोई भी बचने ना पाए, बच्चे बूढ़े जवान औरत सब एक तरफ से कत्ल कर दिए जाएं, सबको काट दिया जाए, क्योंकि इन लोगों ने मुझे यहाँ से निकालने की कोशिश की, मेरी जान लेने की कोशिश की। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए ऐसा नहीं किया। हुजूर ने फरमाया कि तुम पर कोई मुआखज़ा नहीं, तुम वही हो जो मुझे निकालना चाह रहे थे, तुम वही हो जो मुझे कत्ल करना चाह रहे थे, लेकिन मैं तुमसे कोई बदला नहीं लूँगा। जाओ, आज तुम सब के सब आज़ाद हो। ये थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, और इसी सुन्नत नबवी, खुलक नबवी से मुतासिर होकर हज़ारों हज़ार की तादाद में वफद दर वफद लोग आकर इस्लाम कबूल करने लगे। यही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अख़लाक़ करीमाना का असर था। हज़रात मोहतरम, फिर उसके बाद हज्जतुल वदा का वाक़या पेश आया। 9 हिजरी में हज फ़र्ज़ हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर की क़्यादत में 300 मुसलमानों को
हज के लिए भेजा। उसका मकसद मुशरिकीन को खाने काबा से रोकना और बदअहदी की सज़ा का ऐलान करना भी था। 25 ज़िलक़ादा 10 हिजरी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हज के लिए गए। आपके साथ 114,000 से ज़्यादा मुसलमान थे। 4 ज़िलहिज्जा बरोज़ इतवार आप मक्का में दाखिल हुए और हिजरत के बाद पहला और आखिरी हज अदा फरमाया। फिर अराफात के मैदान में वो तारीखी खुतबा दिया जो इंसानी हकूक़ का पहला मंशूर है और जिसे खुतबा हज्जतुल वदा कहा जाता है, यानी उम्मत मुहम्मदिया से आखिरी खिताब। उसके बाद 12 रबीउल अव्वल 11 हिजरी बरोज़ पीर बौक्त चाश्त मुताबिक 7 जून 632 हिजरी 632 ईस्वी को आपका विसाल हुआ और आपके हुजरे में ही आपकी तदफीन हुई जो आज मस्जिद नबवी के अंदर है। हज़रत मोहतरम, ये सारे वाक़यात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी आपकी विलादत से लेकर आपके आखिरी वक्त तक के सारे मामलात थे जो आपने अभी सुने। हज़रत मोहतरम, एक बहुत बड़ा मसला जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक लोग उसके वजह से बहुत सारे लोग गुमराह हो चुके हैं और बहुत सारे लोग उसके वजह से भटके हुए हैं, उन्हीं सब बातों को इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आज हम समझेंगे। वो मसला है खातमुन नबीयीन का मसला। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन हैं या नहीं, ये मसला। हज़रत मोहतरम, अल्लाह ताला ने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपने दीन को मुकम्मल कर दिया और आपको ख़त्म रसूल बनाकर सिलसिला रिसालत को आप पर बंद कर दिया। गोया क़ुरान आखिरी किताब, इस्लाम आखिरी दीन और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी और रसूल अल्लाह की तरफ से नहीं आएगा। आपके बाद जो भी रसूल या नबी होने का दावा करे वो झूठा और काफिर है। अल्लाह ताला का इरशाद है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबियीन व काना अल्लाह बिकुल्ली शैइन अलीमा। और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं मगर वो अल्लाह के रसूल और खातमुन नबियीन हैं और अल्लाह हर चीज़ का इल्म रखने वाला है। हज़रत मोहतरम, यहाँ पर जो लफ्ज़ आया है वो खातमुन नबीयीन का लफ्ज़ आया है जिसके माना है नबूवत की तकमील करने वाला और सिलसिले नबूवत को ख़त्म करने वाला। जिस तरह खातिमुल कौम का मतलब होता है कबीले का आखिरी आदमी, इसी तरह खातिमुन नबीयीन का मतलब आखिरी नबी होता है। ख़ुद जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत से मौक़े पर साफ़ लफ्ज़ों में फ़रमा दिया, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। चुनांच आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा फरमाया, मेरी और मुझसे पहले गुजरे हुई अंबिया की मिसाल ऐसी है जैसे एक शख्स ने एक इमारत बनाई और खूब हसीनो जमील बनाई मगर एक कोने में एक ईंट की जगह छोड़ दी। लोग उस इमारत की ज़्यारत करते और उसकी खूबी पर ताज्जुब का इजहार करते हैं मगर ये भी कहते हैं कि इस जगह एक ईंट क्यों नहीं रखी गई, तो वो ईंट मैं हूँ और मैं खातिमुन नबीयीन हूँ। एक दूसरी रवायत में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे 6 बातों में तमाम अंबिया पर फजीलत दी गई है, उनमें से पहली बात यह है कि मुझे जामे और मुख्तसर बात का सलीका अता किया गया, दूसरा ये कि मुझे रोब के ज़रिए नुसरत दी गई, तीसरा ये कि मेरे लिए माल गनीमत को हलाल कर दिया गया, चौथा ये कि मेरे लिए पूरे रुए ज़मीन को मस्जिद और पाकिजगी हासिल करने का ज़रिया बना दिया गया, यानी ज़मीन से तयम्मुम करना और ज़मीन के किसी भी हिस्से पर नमाज पढ़ना मेरी उम्मत के लिए जायज़ करार कर दिया गया। इसी तरह पांचवी जो नेमत है वो ये है कि मुझे तमाम दुनिया के लिए रसूल बनाकर भेजा गया, मैं किसी कबीले या मैं किसी मुल्क या किसी शहर का रसूल नहीं हूँ, मैं क़यामत तक आने वाले इंसानों जिन्नात का रसूल हूँ, ऐसा रसूल हूँ जो दुनिया के कोने कोने का रसूल हूँ, दुनिया के हर खित्ते का रसूल हूँ। हज़रत मोहतरम, मेरे ऊपर अंबिया का सिलसिला ख़त्म कर दिया गया। ये 6 ऐसे नेमतें थी जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फ़रमाई। तिर्मिज़ी शरीफ में इससे भी ज़्यादा वजाहत के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हदीस वारिद हुई है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि रिसालत और नबूवत का सिलसिला ख़त्म हो गया, मेरे बाद कोई रसूल आएगा और ना ही कोई नबी आएगा। बल्कि एक और रिवायत में तो नबूवत के झूठे दावेदारों की खबर देते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, मेरी उम्मत में 30 कज़्ज़ाब होंगे, हर एक
कज़्ज़ाब, हर एक झूठा अपने आप को नबी होने का दावा करेगा। हालांकि मैं खातिमुन नबीयीन हूँ, मेरे बाद कोई भी नबी नहीं आएगा। हज़रत मोहतरम, मुसलमान होने के लिए जिस तरह सिलसिले रिसालत पर ईमान लाना ज़रूरी है, इसी तरह ख़त्म रिसालत पर भी ईमान लाना ज़रूरी है। यानी मोहम्मद अरबी से पहले अम्बिया को मानना और मोहम्मद अरबी को आखिरी नबी मानना दोनों ही ईमान का जुज़ है। उसके बग़ैर आदमी मुसलमान नहीं हो सकता। गौर करने की बात है कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई किसी और नबी की ज़रूरत आखिर है क्या? आम तौर पर किसी कौम में नबी भेजने की ज़रूरत चार वजहों से होती है। पहला तो ये कि उस कौम में कोई नबी ना आया हो, और दूसरी जगह भेजे गए नबी की तालीम भी उस कौम तक ना पहुंची हो। दूसरा ये कि पिछले नबी की तालीम भुला दी गई हो या उसमें तहरीफ व तरमीम कर दी गई हो और उसकी असल तालीम की पहचान मुश्किल हो। तीसरी ये कि पिछले नबी की तालीम ना मुकम्मल हो और उसकी तकमील के लिए आने वाले नबी की ज़रूरत हो। चौथे ये कि नबी को अपने साथ किसी और नबी से मदद लेने की ज़रूरत हो। हज़रत मोहतरम, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इनमें से कोई ज़रूरत बाकी नहीं रही, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के लिए नबी बनाकर भेजे गए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम अरब व अजम हर जगह फैल चुकी है। आपकी तालीम पूरे तौर पर महफूज है, ना तो उसमें हज़फ़ व इजाफ़ा किया गया और ना ही उसे भुलाया गया है, बल्कि ये भी आपका एक मोजज़ा है कि आपकी ज़िंदगी का हर काबिल ज़िक्र वाक़या, आपकी सुन्नत का हर टुकड़ा और आपकी सीरत का छोटा सा छोटा हिस्सा भी मुहद्दिसीन और सीरत निगार और उलमाए अहले सुन्नत ने नहायत एहतमाम के साथ महफूज रखा है। फिर ये भी कि आपकी तालीम नामुकम्मल भी नहीं, बल्कि ख़ुद अल्लाह ताला ने आपके विसाल से कबल दीन इस्लाम के मुकम्मल किए जाने का ऐलान फरमा दिया। अल्यौम अकमलतु लकुम दीनकुम वअतममतु अलैकुम नेमती वरज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, आज मैंने तुम्हारे दीन को तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया है और अपनी नेमत तुम पर तमाम कर दी है और तुम्हारे लिए इस्लाम को तुम्हारे दीन की हैसियत से कबूल कर लिया है। हज़रत मोहतरम, ये दीन इस्लाम इस हद तक मुकम्मल है कि ना तो इसमें कोई इजाफ़ा किया जा सकता है और ना ही इसमें कोई कमी की जा सकती है। नेस ये कि अगर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत दीन में मदद के लिए किसी नबी की ज़रूरत पेश ना आई, तो आपके बाद किसी नबी का क्या सवाल पैदा होता है? अगर किसी नबी की ज़रूरत होती तो जिस तरह हज़रत ईसा ने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की बशारत दी, इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आने वाले नबी की बशारत दे कर जाते। जब उम्मत में बिगाड़ आ जाए, फितना फसाद रूनुमा हो जाए, लोग अमल से गाफिल हो जाए, मुशरिकाना रसूम में गिरफ़्तार हो जाए, तो नबी की तालीम के मुताबिक उम्मत की इस्लाह की ज़िम्मेदारी उलमा, सुलहा और मुस्लिहीन की होती है। यानी पूरी दुनिया का आज जो निज़ाम संभाले हुए हैं वो सिर्फ आलिम यानी उलमाए किराम और औलियाए किराम संभाले हुए हैं। एक आलिम दीन और अल्लाह के वली, इन्हीं लोगों के ज़िम्मे पूरी दुनिया की बागडोर आज है। इन्होंने ही दीन के निज़ाम को संभाला हुआ है। हज़रत मोहतरम, जिनका वजूद हर ज़माने में रहेगा और वो पैगाम नबूवत को लेकर चलते रहेंगे, यानी मुस्लिह, मुजद्दिद, मुअल्लिम, मुरब्बी वगैरह हर ज़माने में होंगे, नबी कोई भी नहीं होगा। ये सब अल्लाह के ख़ास बंदे होंगे जो अल्लाह का पैगाम पूरी दुनिया में पहुँचाएँगे। हज़रत मोहतरम, उम्मत के तमाम सहाबा, ताबईन, उलमा और सालिहीन का इस बात पर इजमा है कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा। जो भी नबूवत का दावा करेगा वो झूठा, काफिर और मलऊन है। उसकी इत्तबा करने वाला भी काफिर और मलऊन होगा। इस्लाम से इसका कोई भी ताल्लुक नहीं कि अब कोई नया नबी आएगा। हज़रत मोहतरम, इमाम अबू हनीफा के ज़माने में एक शख्स ने नबूवत का दावा किया और कहा कि मुझे मौका दो कि मैं अपनी नबूवत के दलाइल पेश करूं। उस पर इमाम ने फरमाया, जो शख्स भी उससे नबूवत की कोई अलामत तलब करेगा वो भी काफिर हो जाएगा, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा चुके हैं कि ला नबिया बादी, यानी मेरे बाद कोई भी नबी नहीं आएगा। मौजूदा ज़माने में पंजाब से मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने भी
नबूवत का दावा किया है, चुनांच वो भी इस्लाम से खारिज है और उसके मानने वाले भी दायरे इस्लाम से खारिज हैं। मौजूदा क्या बल्कि करीब के ज़माने में वो इंसान गुजरा है और उसके मानने वाले आज भी मौजूद है। हजरत मोहतरम, इस बात को हमेशा जहनो दिमाग में बिठा के रखें कि हमारे नबी आखिरी नबी हैं और उनके बाद कोई भी नबी नहीं आने वाला, और नबी के वो सारे काम अब उलमाए किराम और औलिया किराम को ही संभालने हैं, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमाए किराम यानी आलिम दीन ये नबी के वारिस हैं, इन्हीं के ज़रिए इस्लाम का पैगाम अब पूरी दुनिया में पहुँचेगा। हज़रात मोहतरम, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद पर आखिरी हमारी किस्त थी, आखिरी पार्ट था जिसमें हमने बहुत सारी बातें जानी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मुहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।